नमो तस्वरतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए विश्व विजेता प्रियदर्शी सम्राट अशोक को नमन करते हुए उनकी पुत्र और उनकी पुत्री महेंद्र संगीतरा को नमन करते हुए सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे जितने महापुरुष है उनको नमन करते हुए मंच पर मचा सिंह हमारे धर्म गुरु भिक्षु संघ को भी नमन करते हुए इस मंच पर जितने भी हमारे अतिथिगण मौजूद हैं उनको तहे दिल से साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि इतने उच्च विचार रखते हुए अपने हक अधिकारों को पाने के लिए यह राष्ट्रीय लेवल का ये मीटिंग रखा हुआ है। इस कमेटी को हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हैं और मैं बिहार के तरफ से जितने भी हमारे अतिथिगण आए हुए हैं श्रोतागण आए हुए हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन साधुवाद करते हैं। बिहार की धरती से मैं धनते विमलकृति बुद्ध विहार तथागत नगर ग्राम पोस्ट चौसठ थाना नवानगर जिला बक्सर मेरा क्षेत्र शाहबाद जिला जो चार जिला में आता है। पहले भोजपुर जिला को शाहबाद जिला बोला जाता था, शाहबाद जिला से चार जिला भोजपुर रोहतास कैमूर और बक्सर हो गया। उस क्रांति भूमि माँ ताका के भूमि की धरती से मैं आज पाटलिपुत्र में मौजूद हूँ जो आज सम्राट अशोक का ये जन्मभूमि कर्म भूमि है। आप लोगों को बताया जाएगा ये जो आज का विषय है उसी पर चर्चा होनी चाहिए। बीटीएमसी का जो हम लोग मुक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं ये बीटीएमसी के कितने लोग अभी हमारे अनुयायी लोग हुए इसका मतलब भी नहीं जानते होंगे। बीटीएमसी का फुल फॉर्म होता क्या है? बी से होता है बोधगया, टी से होता है टेम्पल। हम जितने यहाँ हम लोग मौजूद हैं आप लोग बताइए बौद्धिस्टों का कोई टेम्पल होता है या नहीं होता है? आप लोग आगे जाके बताइए बौद्धिस्टों का कोई टेम्पल यानी मंदिर नहीं होता है। टी यानी टेम्पल, एम से मैनेजमेंट, सी से कमेटी, इसका मतलब ये बीटीएमसी नाम नकली है, नाम ही गलत है। जब नाम गलत है तो काम भी गलत होगा ना, समझिए बातों को। ये इस संस्था का इस जगह का क्या नाम था? महाबोधि महाविहार। अभी हम अपने बुरा देखा जो मैं चला बुरा मिलिया ना कोई ज्योति झाका है अपना मुझसे बुरा ना कोई। हम आज भिक्षु संघ के बारे में ही बोलेगा जितने हमारे कम से कम 500 से 700 हजार 2000 बौद्ध गया में अभी भी भिक्षु मौजूद हैं। सभी भिक्षु संघ कहते हैं कहाँ जा रहे हैं तो मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तो मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तो टेम्पल जा रहे हैं। तो धर्म गुरु बहुत इच्छुक से अनुरोध है कि मंदिर बोलना और टेम्पल बोलना बंद कीजिए, बंद कीजिए। बाबा साहब कहते हैं जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहासों को नहीं जानता है वो अपना इतिहास नहीं बना सकता है, वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाता है। बोधिसत्व बाबा साहब इसी के आगे क्या कहते हैं? गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ गुलामी के बेड़ी को तोड़ देगा। तो हम लोग क्या करेंगे बिहार में, बिहार को यहाँ गुजियों को बीजारोपण करने वाले चार नाम जरूर रखेंगे, बाकी तो बहुत सारे लोगों का नाम आएगा। मैकुराम जी जो बिहार में बहुत संगठन भारत बौद्ध परिषद बिहार के नाम से एक ट्रस्ट बनाए थे, कौड़ाकरण जी, भिक्षु महाकश्यप, भिक्षु कश्यप जी जिसको हत्या कर दिया गया इसी पाटलिपुत्र से अशोकापुर बिहार बेली रोड में जाके आप लोग देख सकते हैं, और हमारे गुरु चरण सिंह जो साहित्यकार हैं, ये चार पांच लोगों ने मिलकर यहाँ धाम का बीजारोपण करने का काम किया। हमारे गुरु सरहंस जी जब बर्नी में धाम चक्र परिवर्तन दिन विजयदशमी का कार्यक्रम होता है हाईवे आर2 महनिया जो हाईवे रोड है उसी रोड पे मेरा बुद्ध बिहार कंसर में है, हर साल ये आते थे जब कौड़ाकरण कौड़ाकर भंती जी जिंदा थे तो वो
क्रांति बिहार से क्रांति हो रहा है। देखिए क्रांति का जगह बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल भी हम कह सकते हैं, हमारा बिहार का ही नाम बंगाल है, और महाराष्ट्र। फिर ही लोग अगर जग जाए ना, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र अगर जग जाए तो बंगाल और जितने 36 राज्य है ना, 35-36 राज्य, हमारे जितने भारतवासी के लोग हैं, बहुजन मानव जाति के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये हिंदू नहीं है, यही सच्चा बौद्ध था। ये जो बौद्ध हमारे लोग जब जान जाएंगे हम हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, ये बौद्ध बन जाएंगे, जहिया बौद्ध बन जाएंगे, ये हम लोग क्रांति शुरू करेंगे। महाबोधि महाविहार हो, या तिरुपति बालाजी मंदिर हो, या पटनपुर हो, या साकेत अयोध्या हो, ये सब अधिकार हम लोग लेकर आएंगे। इसीलिए चार बात आप लोग याद रखिए, जीना है तो मरना सीखो। हमारे लोग डरते भी हैं, जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो, और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए राहों पर चलना सीखो। तो आप लोग 17 सितंबर को पाटलिपुत्र के धरती पर आने के लिए तैयार है ना? तो आने के लिए तैयार है तो अकेले मत आइएगा, नहीं तो मत आइएगा। सिंगल पुरुष चेहरा दिखाकर मत नहीं आना है, अपने साथ माँ को, अपने पत्नी को, नहीं तो अपने बेटी को या बहन को जरूर लेकर आना है, अकेले नहीं आना है। इस बात को ध्यान देना है। अगर ये करते हैं, बाबा साहब कहते हैं वह समाज उतना ही विकसित है जिस समाज की नारी शिक्षित है। देश को जगाना है तो बेटी को पढ़ाना है, वह समाज उतना ही शिक्षित है जिस समाज की नारी शिक्षित है। विकसित बनाना है तो नारी को लाना है। नारी हमारे उपासक उपासिका है। अभी हमारे लोग बहुत बन रहे हैं, उपासक उपासिका नहीं बन रहे हैं। तो उपासक उपासिका बनने के लिए हमारे भिक्षुओं को गाँव गाँव में बोध ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, और गाँव गाँव में चलते भिक्षुए चारिका को बहुजन हिताय बहुजन सुखाए के लिए गाँव गाँव में हम लोग विचरण करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तो लगता है 17 सितंबर को अगर 5 लाख या 10 लाख का भीड़ अगर हो जाता है, और बुद्ध जयंती को 23 मई को, और फिर 1 जून को, 23 जून को भी, और 23 मई को बुद्ध जयंती है कालचक्र मैदान में, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के बैनर तले बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसको भी विषय रहता है महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन कैसे किया जाए, वहां भी हम लोग ऐलान करेंगे। बड़े पैमाने पे पूरे भारत के ये जितने बौद्ध हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, सब लोग यहाँ आओ, करो या मारो, करो या मारो, आप लोग डरिए मत, हक के लिए लड़ना चाहिए और ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। हक हमारे हक से कुछ आया नहीं है तो यह आंदोलन क्यों फेल हो रहा है? जो भी कमियां हो सकती है आंदोलनकारी में, लेकिन हमारा जो दुश्मन है, दुश्मन के बारे में हम कितना स्ट्रेटेजिकली चलते हैं वो बहुत जरूरी है दोस्तों। और अभी मैं थोड़ा दया सागर जी की थोड़ा पोस्ट करना चाहता हूँ, जो भी कमिटियां डालोगे आप, जो भी कमिटियां नियमोगे आप, उसका रिव्यू, उसका जो भी हमें बताएंगे, जो भी उसका हमें तो हमें बताने के, तो जो भी उसका रिव्यू लेने वाले, उसका मालूम करने वाले, आप तेलंगाना से है तो आपके पास कितने लोग हैं, कितने लोग आ रहे हैं, और आपके पास कौन सा धन है, पैसा जमा कर रहे हैं, तो ये पूरा प्लान बताना बहुत जरूरी है, प्लान बनाना बहुत जरूरी है। तो जो अगर हम नहीं बताएंगे, हम नहीं करेंगे, तो ये आगे 17 तक ही नहीं है, 17 से सितंबर तक ये आंदोलन खत्म होगा ऐसा मत समझो। 17 के बाद भी हमें लड़ाई लड़ना है, आगे बहुत सारे काम ही काम है हमारे, उनके संघर्ष ही हमारा जीवन है। तो इसलिए हम जो भी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, पूरे देश प्रदेश से आए जो लोग है, ऐसा हमारे बुद्धि जी है, वो विद्वान लोग है, आंदोलनकारी लोग है, बहुत सीरियस लोग, और ये खुद का आंदोलन नहीं है, ये मानवता का आंदोलन है, खुद का आंदोलन नहीं है, पूरी दुनिया का आंदोलन है, खुद का आंदोलन नहीं है, पूरे मानव जात का मूल्य जिंदा रखने का आंदोलन है। दोस्तों मैं यही रुकता हूँ। जय बिंद जय बुद्ध।